Hey,
खातिर जिंदा है, हत्यार शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, हत्या के हत्यारों को, फांसी दो सालों को, हत्या के हत्यारों को, फांसी दो सालों को, हत्या के हत्यारों को, फांसी दो सालों को, जिस बिंदु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिस बिंदु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिस बिंदु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, देश के सम्मान में, बजरंग दल के मैदान में, देश के सम्मान में, बजरंग दल के मैदान में, देश के सम्मान में, बजरंग दल के मैदान में, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, बजरंग दल के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, संगठन का जो आयोजन किया है वो बजरंग दल के नेतृत्व में किया जा रहा है, लेकिन ये पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है, जो पीड़ित हिंदू है वो आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। पूरे देश भर में आज आंदोलन हो रहे हैं, हर्षा की जो हत्या नृशंस की गई है उसके विरोध में सभी हिंदू समाज के सारे संगठन आज सड़कों पर हैं, और ये सरकारों को चेतावनी है कि अगर अभी नहीं जागे तो फिर कल का दिन हमारा होगा। शुरुआत उन लोगों ने की है, ख़त्म हम लोग करेंगे। अगर मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हर्षा के हत्यारों को तुरंत पकड़कर उनको उनके अंजाम तक भेजा जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, उनके परिवार में कम से कम 1 सरकारी नौकरी दी जाए, उनको कम से कम 4 रूम का आवासीय स्थान उपलब्ध कराया जाए, और पूरे देश भर में जो हिजाब का प्रयोग शुरू हो गया है देश को तोड़ने के लिए, नया शाहीन बाग बनाने का जो प्रयोग शुरू हुआ है उसको तुरंत बंद किया जाए। किसी भी सरकारी संस्थान और शिक्षण संस्थान के अंदर कोई भी लड़की, भले ही वो हिंदू हो अन्यथा किसी विशेष जाति की हो, हिजाब और बुर्का पहनकर नहीं आएगी। अगर हिजाब और बुर्का पहनकर आएगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको अपने तरीके से भुगत लेंगे, उनके हिजाब को हम उतार लेंगे। डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए हमने परसों से ही डीएम महोदय को सूचना दे दी थी, हमने डीएम महोदय से निवेदन किया था कि आप समय पर उपलब्ध रहें, हम उनको ज्ञापन देंगे, लेकिन वो आज यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। अपने प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को भेजा है, हमारा निवेदन यह है कि इस डीएम महोदय स्वयं आए, जब तक वे नहीं आएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, हम ज्ञापन डीएम महोदय को ही देंगे। प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हैं? प्रदर्शन में कम से कम 800-900 लोग अभी हैं, और लोग अभी आ रहे हैं, सूचना लोगों के पास जा रही है कि यहाँ पर डीएम उपस्थित नहीं हो रहे, हो सकता है शाम तक यहाँ पे 5-7 हज़ार लोग हो जाएं। अगर हमारी मांग नहीं होगी तो बजरंग दल सड़कों पे उतरेगा, और फिर बजरंग दल अपने नाम के अनुरूप कार्य करेगा, और उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और सरकारें होंगी। हम अपना निर्णय लेना जानते हैं, हम अपने प्रति न्याय कराना जानते हैं।